श्री गंगानगर पुलिस अधीक्षक परिस अनिल देशमुख के नेतृत्व में आज श्री गंगानगर की जवाहरनगर थाने की हिस्ट्री सीटर और ड्रग स्मगलर महिला उषा छजगरिया के आलिशान मकान को बुलडोज कर दिया गया। श्री गंगानगर पुलिस के द्वारा संभवतया यह पहली कार्रवाई है जो किसी तस्कर के खिलाफ की गई है। श्री गंगानगर पुलिस के द्वारा छजगरिया मोहल्ले में की गई इस कार्रवाई के दौरान काफी तमाशबीन भी मौजूद रहे, तो वहीं किसी भी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन चौकस रहा और सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। मौके की नजाकत को देखते हुए पुलिस प्रशासन के द्वारा पहले ही सारे चाक चौबंद इंतजाम कर लिए गए, यहां तक कि पड़ोसियों की छतों पर भी पुलिस जाब्ता तैनात रहा ताकि असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगाह रखी जा सके। गौरतलब है कि श्री गंगानगर के जवाहरनगर थाने की हिस्ट्री सीटर उषा छजगरिया के खिलाफ तकरीबन एक दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं और 3 NDPS एक्ट के भी मामले दर्ज हैं। यहां बल्कि उसके परिजनों के खिलाफ भी काफी आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें उसकी 2 बेटियां और उसका पति भी शामिल है। सुरक्षा की दृष्टि से छजगरिया मोहल्ले में काफी पुलिस बल तैनात रहा ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। छजगरिया मोहल्ले में पुलिस और प्रशासन के द्वारा आज अवैध मकान को तोड़ने की कार्रवाई दिन भर चर्चा का विषय बनी रही, तो वहीं आम जन ने पुलिस और प्रशासन की इस कार्रवाई को मन ही मन सराहा। गौरतलब है अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त उषा छजगरिया के द्वारा इस अवैध मकान का निर्माण काफी सालों पूर्व कराया गया था, जिसके बाद आज प्रशासन ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए पूरे मकान को जमींदोज कर दिया। मकान काफी आलीशान था और लाखों रुपए की अवैध काली कमाई से बनाया गया था। श्री गंगानगर SP ने कहा आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। देखिए, DG साहब के निर्देशानुसार एक ऑपरेशन वज्र प्रहार PH के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जितने भी बदमाश हैं, आदतन अपराधी है, उनकी संपत्तियों की सूची और उनका सर्वे पुलिस द्वारा किया जा रहा है। इसी कार्रवाई के दौरान जवाहरनगर थाने में उषा छजगरिया नामक जो महिला है, जो थाने की हिस्ट्री शीटर भी है और एक लंबे समय से नशे की तस्करी में लिप्त है, इसकी जब संपत्ति का सर्वे किया गया तो ये पाया गया कि भाई अतिक्रमण में है। इस पर प्रशासन का अवगत कराया गया और कलेक्टर साहब के नेतृत्व में SDM श्री गंगानगर और नगर पालिका आयोग द्वारा एक टीम के रूप में पुलिस के साथ काम करते हुए पूरी प्रक्रिया अपनाते हुए नियमानुसार उषा छजगरिया का जो आलिशान मकान अवैध रूप से बना हुआ था उसको आज तोड़ा गया, उसको जमींदोज किया गया। भविष्य में भी ऐसी आदतन अपराधियों की जो संपत्तियां हैं उन पर नियमानुसार कार्रवाई